हेलो दोस्तों, आज हम लोग मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हैं कि भाई जिरकोनिया ब्रिज जो हमारा टूट जाता है तो इसको क्या हम लोग रिपेयर कर सकते हैं या इसको हम लोगों को नया ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम आपको दिखाते हैं ये जिरकोनिया है वो यहाँ से टूट गया है और मैं इसको रिपेयर करना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट मैंने एक दो बार रिपेयर किया था और मुझे भी कमेंट मिला कि भाई ऐसा डॉक्टर कोई गिरा देता है या कुछ बेसन के मुंह में टूट जाता है तो क्या इसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं PFM की तरह या ये बिल्कुल रिपेयर नहीं होता है। अभी तक तो लोगों ने यही माना है कि ये रिपेयर नहीं होता है, तो मेरे पास ये आइडिया था। मैंने ऑलरेडी ट्राई किया और मैं सक्सेस गया हूँ। आज से मैंने 6-7 महीने पहले भी ऐसे रिपेयर करके भेजे हैं, वो भी रिप्लेस नहीं हुए हैं और मैंने देखा उसको ट्राई करके हाथ से तोड़ने की कोशिश भी की थी और बढ़िया बहुत रिपेयर हो चुका था। तो फिर मैंने दूसरा भी आया ऐसा वर्क, तो मैंने उसको भी ट्राई किया, वो भी चल रहा है अब तक। और ये तीसरा वाला है जो प्लीज डॉक्टर ने पेशेंट के मुँह में लगाने से पहले गिरा दिया और ये टूट गया है। तो इसको रिपेयर कैसे करते हैं और ये रिपेयर करना पॉसिबल कैसे है या नहीं है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। इसमें मेरा नाम है राजेश पटेल और मेरी चैनल आस्था डेंटल एंड हेल्प सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको भी ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे और जिससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिले और आप उसको बिना खर्चा किए ज़्यादा इसको आप रिपीट दे सकते हो। तो चलो हम लोग इसको रिपेयर करते हैं। जब इसको आप मैच करो तो आपको ये दिखना है कि यहाँ पे कहीं पे आपको इसका अंतरा भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर छोटे छोटे टुकड़े हैं तो पॉसिबल नहीं है। हम लोग इसको रिपेयर कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ आपको। कोई ग्लेस पाउडर या पेस्ट जो भी यूज़ करते हैं उसको भी इसको लेना पड़ेगा आपको। हम यहाँ पे इसको ग्लेस पाउडर ले लेते हैं। और ग्लेस लिक्विड मिक्स करते हैं। एंड तक देखना आपको अच्छे से पता चलेगा कि आप यहाँ पे इसको आप देखो, मैं इसको जॉइंट कर रहा हूँ ऐसे और कहीं पे भी मुझे इसका ऐसे रखने से कोई डिफरेंस, जैसे कि मेरा फायरिंग ट्रे है। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर पाओगे। अगर आपको ऐसा रहेगा इसका टुकड़े आप जॉइंट नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना। ऐसे ऊपर नीचे चिपक गया तो भी आपको तो नया बना भी देना पड़ेगा। वारंटी पीरियड में है, क्या करेंगे हम लोग। तो ऐसे आपको अगर ऊपर नीचे ना रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट में आपको इसको बेस्ट तरीके से ऐसा बिठा यहाँ पर लगा देना है और इन्वेस्टमेंट में आपको सेट होने देना है। फिर आप उधर से निकाल के इसको, मैं अभी मेरा ये वर्क है ये ट्रे पे अच्छे से जॉइंट हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर कोई अंतरा भी नहीं दिख रहा है और मैं इसको यहाँ पे ही जॉइंट कर सकता हूँ। अगर आप वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट इन लगा के ऐसे इसको रख देंगे इसके ऊपर, फिर जैसे कि मॉडल है अपना जो भी स्टैंड, ठीक है, जैसे ये मॉडल है अपना तो ये मॉडल की तरह ही ये यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट से इसके ऊपर ऐसे रख दीजिए थोड़ी देर। या इसको क्या करना है आपको, पहले यहाँ पे वैक्स से सील कर लेना है इस जगह को, दोनों को ऐसे अच्छे से वैक्स से सील कर दीजिए मॉडल पर रख के ताकि कोई इसके अंतरा ना दिखे। और इसके बाद आप इसको यहाँ से उठा लीजिए। उठा के आप इसको इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐसा अब थोड़ा मटेरियल ले लीजिए और इसके ऊपर ऐसे रख दीजिए ताकि क्या है इसको पकड़ने के लिए स्टैंड बन जाए। इन्वेस्टमेंट आपको ये 850 डिग्री तक फायरिंग में जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग ऑलरेडी क्या करते हैं कि 1000 डिग्री तक हम उसको फायरिंग में लेते हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आपको इन्वेस्टमेंट में स्टैंड बना लेना और स्टैंड बनाने के बाद आप इसको दोनों मॉडल को जैसे ही आप याद देखो कहीं यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कारवर से जो हमारा मिक्स किया वो लिक्विड है जो ये ग्लेज पाउडर है और ये ग्लेज लिक्विड है, इसको मैं यहाँ से लगा रहा हूँ। ठीक है, आपको इसके साथ में जैसे आपका स्टैंड है उस टेस्ट स्टैंड के हिसाब से आपको यहाँ से अच्छे से लगा देना है।
तो फिलहाल आप देखिए कि मैंने जिसको जॉइंट लगाया वो बिल्कुल उसका कोई अंतरा नहीं दिख रहा है, अच्छे से जॉइंट हो चुका है। तो इसको मैं फायरिंग में लगा देता हूँ और फायरिंग होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ तो ये क्या हो गया है। तो मैंने इसको ग्लेज के फायरिंग के अंदर डाल के रखा है, अब देखो ये फायरिंग होने के बाद क्या निकलता है। तो दोस्तों जब फायरिंग से बाहर निकल के आया है अपना ये वाला वर्क, देख सकते हो आपको हल्का सा अंदर से जो क्रैक दिख रहा है, और बाकी आप यहाँ से देखेंगे तो बिल्कुल पता नहीं चलता उसके ऊपर। अगर एक बार अगर आप इसके ऊपर फुल्ली ग्लेज लगा दो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या हुआ था। तो हम लोग इसको टेस्ट करते कि ये टूटता है या नहीं टूटता। देखो यहाँ से लोगों ना उंगली में घुस जाता है, फिर भी मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ, मेरी उंगली में इतना घुस रहा है और देखो यहाँ पर निशान छूट गया, फिर भी ये टूटता नहीं है। बहुत मैं ये तीसरी बार इसको रिपेयर कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट तीसरी बार ये वर्क मेरा ऐसा आया है कि जो टूटा हुआ था और मैंने रिपेयर किया है वो, और ये 100% चलता है, कभी भी कंप्लेंट नहीं आया है कि ये वर्क आपका जो आपने दिया वो टूट गया, बिल्कुल नहीं टूटता और पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पर क्या हुआ है। एक बार हम लोग इसके ऊपर लास्ट में जब ग्लेजिंग कर लेंगे और एक बार ग्लेजिंग करेंगे, अभी मैंने ज्वाइंट ही किया है और ग्लेजिंग करेंगे तो बिल्कुल ही मस्त काम हो जाता है अपना, कि कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन टेंथ के बारे में वो पहले जैसा ही हो जाता है। तो बिंदास ये आपको ऐसा डाउट रहेगा कि हम रिपेयर करेंगे लेकिन टूट जाएगा, बिल्कुल नहीं टूटता है, आप डॉक्टर को भी पता भी नहीं चलता और टूटता भी नहीं, और आपको रिप्लेस बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये हमारा तीसरा वर्क है जो डॉक्टर को देने वाला है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम लोग लाते रहेंगे जिसका आपको बहुत अच्छा से फ़ायदा मिलेगा आपको। तो अभी तक आप प्लीज़ हमारी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, और ऐसे वीडियो हम लोग लाते रहेंगे जिससे आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।